ওরে ভাই Hi guys, welcome back to the channel. This is Hit the Road. So good morning guys, and आप सभी को happy दशहरा और hope so आप सब लोग बढ़िया होंगे. मैं भी बढ़िया हूँ और सोचा यार कोई ना एक ride करते हैं. बहुत time से यार एक कोई भी ride नहीं कर पा रहा था, तो फिलहाल अभी मैं निकल चुका हूँ एक ride पे. ज़्यादा distance तो नहीं है, जो है वो approx 120 to 130 है. So बस थोड़ा late हो गया हूँ, ऐसा हमेशा होता है. ट्राई करता हूँ जल्दी निकलना, बट यार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है तो लेट हो जाते हैं. तो फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं और जो डिस्टेंस हम लोग को टाइम दिखा रहा है गूगल पे वो अप्रॉक्स 2 hours and 30 minutes, सो 2.5 hours की जर्नी है. तो देखते हैं कैसे होती है, एंड आप भी हमारे साथ जर्नी का हिस्सा बनिए और बस इस राइड को इन्जॉय करो. और बाकी आज ट्रैफिक कम है क्योंकि आज दशहरा है, तो मोस्टली ऑफिसेज बंद हैं. और वैसे भी अगर आप बेंगलोर में हो, साउथ में हो, तो यहाँ पे दशहरा का बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन होता है. लाइक हम अपने नॉर्थ में दिवाली पे होता है, वैसे यहाँ पे दशहरा पे होता है. तो बस मिलते हैं जहाँ पे जाना है वहीं पे सीधे. सो टाइम हो चुका है 10:15 और अभी जो किलोमीटर बाकी हैं वो हैं अप्रॉक्स कितने हैं 47. तो अच्छा रहा राइड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं. और हाँ, मैं एक्चुअली जब लास्ट टाइम आया था तब यहाँ पे रोड्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार थी. मतलब बेकार मतलब टूटी रोड थी, जिस तरह का भी आप ये रोड देख रहे हो बिल्कुल ऐसा रोड नहीं था. और बट अब कंपेयर, हाँ बट उस बात को भी अराउंड मोर देन वन एंड हाफ ईयर हो गए, तो अब रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है. छोटे छोटे वाटरफॉल टाइप के ही चल रहे हैं यहाँ पे. तो अभी जो किलोमीटर है, हाँ यहाँ पे आप ही देख लो, ये देखो बंदर, ओ माय गॉड. सो हम लोगों ने दो छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग किया था. एक जो साइड में आप जो पत्थर देख रहे हो, रॉक देख रहे हो, वहाँ से पानी आ रहा है, तो बी केयरफुल, थोड़ा सा आप स्लो ही चलाओ ऐसे भी, क्योंकि पूरा घाट रोड अभी यहाँ पर है. लास्ट 10 किलोमीटर पहले से घाट रोड चल रहा है, जैसा आप देख रहे हो पूरा कर्व है. तो थोड़ा सा बी केयरफुल. फिलहाल ये जो आप जितना भी घाट रोड है ये कावेरी वाइल्ड सेंचुरी के अंदर आता है. अरे भाई तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे ये रोड पुल बन रहा है साइड में, और यहाँ पे ये पूरा क्योंकि अभी बारिश हो रही है हर जगह, इस वजह से जितने भी नाले या नदी हैं उन सबका लेवल बढ़ा हुआ है. पुल बन रहा है यहाँ पे.
तो यार अभी हम लोग होगनकल पहुँच चुके थे फाइनली 2.5 आवर्स के बाद, बट हम लोग का बैड लक कि फिर से हम लोग को यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है। ये आप देख रहे होगा यहाँ पे ये सिक्योरिटी जो लेडी है वो बैठी हुई है, लेडी गार्ड है, और ये डोर जो है क्लोज है क्योंकि इसका रीज़न आप जैसे देख रहे हो ये पूरा यहाँ वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है यहाँ पे एक्चुअली, और ये पूरी रेलिंग टूट गई है और जो नीचे का प्लास्टर है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो मे बी वो अभी इसमें विजिटर को अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो सब लोग यहीं पे आके रुके हुए हैं, फिलहाल यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। ये जैसा आप देख रहे हो, मैं जूम करता हूँ, तो ये पूरा टूट चुका है और जो हमको जाना था वो अंदर जाना था क्योंकि जो वाटरफॉल है वो अंदर की तरफ है ऐसे जाके, और वहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है जहाँ से हम लोग व्यू पॉइंट है उसको एंजॉय करते हैं, बट वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल बस हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। सो अगर आप लोग अभी आने वाले हो होगनकल फॉल का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ मत आना, थोड़े दिन वेट कर लो क्योंकि वाटर लेवल बढ़ा हुआ है, एंड अगर आने के पहले किसी से पता कर सकते हो तो पता कर लो वो बेटर है क्योंकि अभी तो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है यहाँ का।